वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो लास्ट वीक में देख सकते कि तेजी के बाद फिर गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले। लास्ट वीक में गिरावट देखने को मिले 7.40 पे क्लोजिंग दे चुका था। फ्राइडे के दिन में जेपी पावर स्टॉक 25 पैसे की गिरावट हो चुकी थी, 3.27% की गिरावट देखने को मिली थी। ओपन तो फ्लैट हुआ था, जैसे ओपन हुआ गिरावट देखने को मिली, प्रीवियस क्लोजिंग का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस देते ही गिरावट देखने को मिली थी। नीचे 7.40 लेवल ने सपोर्टिव एक्ट हो चुका था, जिसका सपोर्ट लेके स्टेबल था यहाँ पे काफ़ी समय से, और क्लोजिंग भी 7.40 पे ही दे चुका था। मार्केट कैप जो 5000 करोड़ की मार्केट कैप है, यहाँ पे आप देख सकते 5000 करोड़ के फिर पास फिर से यहाँ पे गिरावट के बाद देखने को मिले। पी रेशियो 16 का है, जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी भी अच्छा है जेपी पावर में। पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में 2.63% की गिरावट देखने को मिले है। तो जेपी पावर स्टॉक का यहाँ पे देख सकते कि वॉल्यूम भी देखा जाए फ्राइडे के दिन का, तो यहाँ पे 5,33,00,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका था स्टॉक के अंदर, यानी कि ट्रेडेड वैल्यू जो है 3,998,00,000 की यहाँ पे देखने को मिली थी। सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन के ऊपर भी नजर डाली जाए तो 5,33,00,000 में से 2,52,00,000 क्वान्टिटी जो है वो डिलीवरी के लिए जा चुके थे, यानी कि होल्डिंग के लिए नेक्स्ट डे के लिए 47% क्वान्टिटी डिलीवरी के लिए जा चुके थे। तो चार्ट के ऊपर भी नज़र डाली जाए तो देख सकते जेपी पावर स्टॉक ने तेजी के बाद देख सकते हो कि ऊपर 8-9 लेवल तक चले गए थे, ऊपर रेजिस्टेंस रखते हुए फिर गिरावट हो चुकी है। गिरावट में देखा जाए तो 7.40 लेवल सपोर्टिव लेवल है, तो उसी का सपोर्ट ले रहा है काफ़ी समय से। लास्ट वीक में दो से तीन बार सपोर्ट भी लिया है 7.40 लेवल पर। तो 7.40 को ब्रेकआउट मिलेगा तो नीचे 7 लेवल तक भी गिरावट हो सकती है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट जेपी पावर स्टॉक के लिए।